हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और अगर मैं चाइना को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो आप क्लियरली ये देख सकते हो, ईस्ट साइड पर 94% पॉपुलेशन रहती है और पूरे वेस्ट साइड में सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन का ये मैसिव डिफरेंस दूसरी चीजों को भी इफेक्ट करेगा, जैसे इंडस्ट्रीज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स वेरिएशंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन माइंड यू, ये सारे डिफरेंसेस चाइना जानबूझकर ला रहा है। वो वेस्ट साइड को खुद जानबूझकर ग्रो नहीं होने दे रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? Well, इसके पीछे कुछ रीजंस है। So, कहानी की शुरुआत होती है तब से जब से चाइना फॉर्म हुआ था। ये डिफरेंस 1935 तक अननोटिस रहा और इस पॉपुलेशन डिफरेंस को 1935 में पहली बार चाइनीज डेमोग्राफर हु ह्योनहोंग ने ये नोटिस किया। बेसिकली हु जब चाइना घूम रहे थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि चाइना के 64% वेस्टर्न टेरिटरी में सिर्फ 4% ही लोग रहते हैं। मतलब 96% चाइनीज पॉपुलेशन चाइना के इस पार 36% के ईस्टर्न टेरिटरी में ही रहती है। और बस उसी डिफरेंस को नोटिस करते हुए उन्होंने चाइना का मैप उठाया, पेन पकड़ी और हाई हे से टैंग चौंग तक एक लकीर खींच दी और कुछ इस तरह से चाइना को मिल गई अपनी इमेजिनरी लाइन, हाई हे टैंग चौंग लाइन। पर आज 100 साल बाद जब चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, फिर भी ये इमेजिनरी लाइन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। आज भी अगर आप चाइना की डेमोग्राफिक्स देखोगे, 57% वेस्ट साइड में 6% पॉपुलेशन ही रहती है, जबकि दूसरे ओर 43% ईस्टर्न टेरिटरी में 94% चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। ये इतना बड़ा डिफरेंस और इम्बैलेंस आखिर क्यों? क्यों आज 100 साल बाद भी इस इम्बैलेंस को कंटिन्यू किया जा रहा है? Well, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ऑन द फर्स्ट प्लेस उस लाइन को बनाया ही क्यों गया था, और आखिर ऐसा भी क्या कारण है कि आज के तारीख में चाइनीज गवर्नमेंट उस लाइन को मिटाने की कोशिश ही नहीं कर रही। Well, उस लाइन के बनने और ना मिटने के एक नहीं बल्कि तीन मेजर रीजंस हैं। नंबर वन, क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। नंबर टू, रिसोर्सेस। एंड नंबर थ्री, कल्चर। अकॉर्डिंग टू डेटा, ईस्ट चाइना की जमीन पूरे दुनिया में सिविलाइजेशन के रहने और बसने के लिए सबसे अच्छी जगह है। और क्यों? क्योंकि एक सिविलाइजेशन को रहने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्लैट प्लेन्स, रिवर्स और फर्टाइल लैंड, है ना? और चाइना की हिस्ट्री से लेकर अब तक ये सारी चीजें ईस्ट चाइना में हमेशा से ही मौजूद रही है। एग्जाम्पल के लिए, वर्ल्ड की टू लार्जेस्ट रिवर्स, द येलो रिवर और द यांगसे, ईस्ट चाइना में ही बहती है। चाइना के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद फ्लैट प्लेन्स की वजह से वहाँ क्लाइमेट वार्म रहता है, जिससे वहाँ पर अच्छी खासी बारिश नसीब होती है। एंड इट्स कॉमन सेंस, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी ही अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल तो सिविलाइजेशन का इजी सेटलमेंट। एंड जहाँ सिविलाइजेशन होगी वहाँ पर ऑब्वियसली डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जल्दी होगा। एंड देयर यू हैव इट, यही है ईस्ट चाइना के डेवलपमेंट का इतिहास और सीक्रेट, जिससे वहां पर फार्मिंग, डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का इंक्रीज होना आसान हो पाया। इसी वजह से वहां पर धीरे धीरे करके छोटे सिविलाइजेशंस किंगडम्स में बदले, किंगडम्स एम्पायर में, और आज चाइना एक पावरफुल नेशन बन पाया है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम चाइना के वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो लाइन के उस पार रहना, यानी कि सहारा डेजर्ट से भी 100 गुना ज्यादा डेंजरस लाइफ को जीना। और इसका रीजन वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान। टेम्परेचर्स वहां पर इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि सर्दियों में -40 क्रॉस कर जाता है और गर्मियों में 40 degrees प्लस क्रॉस कर जाता है। एंड इन केस यू मे बी वंडरिंग कि होता किस वजह से है? Well, ये होता है रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो रेन क्लाउड्स हमारे वेस्टर्न इंडिया से होते हुए वेस्टर्न चाइना में पहुंचने चाहिए, वो बीच रास्ते में ही मौजूद इंडियन हिमालय माउंटेन्स की वजह से वहीं पर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स की दूसरी ओर पर बारिश नहीं होती। नो बारिश इक्वल टू सूखा, सूखा इक्वल्स टू रेगिस्तान। और आज के तारीख में अगर हम देखने जाए तो चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस में ऑलरेडी 3 डेजर्ट, टिबेटन प्लेट्यू, तकलामकान डेजर्ट, आई नो द नेम इज कॉमेडी, और गोबी डेजर्ट मौजूद है, जो इसी रेन शैडो इफेक्ट की वजह से क्रिएट हुए हैं। इनफैक्ट चाइना के इन्हीं डेजर्ट्स में से तकलामकान की बात करें तो जब से ह्यूमंस इस धरती पर आए हैं तब से लेकर आज तक इकलौता ऐसा रीजन है जहां लोग सबसे आखिर में सेटल हुए हैं। और आज के तारीख में भी वहां पर 0% बारिश की वजह से तकलामकान में सिर्फ कुछ ही 100-200 लोग ही रहते हैं। इन 100-200 लोगों की रहने की शुरुआत हुई थी 1800 BCE में, जब एंशियंट इजिप्शियंस के एक छोटे से ग्रुप ने वेस्टर्न चाइना में बसना शुरू कर दिया था। और उन्हीं के बसेरे ने जन्म दिया हमारे आज के पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, कल्चर एंड रिसोर्सेस को।
Well, as such, ancient Egyptians western China में रहकर अपनी तादाद को ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि वहां पर ना जमीन उनके साथ था और ना ही पानी और ना ही क्लाइमेट, और इसीलिए वो बस एक छोटी सी बस्ती बनकर ही रह गए। और आज की तारीख में वो बस सिर्फ एक माइनॉरिटी ग्रुप ही बनकर रह गए। पर वहीं पर दूसरी ओर ईस्ट चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन लाइक हांस, हंस, टाटर्स, मंगोल्स ने बसना शुरू कर दिया था, और अब जो कि उनके पास ऑल ऑफ द अर्थ्स बेस्ट लैंड था, उन्हें सेटल होके वहां पर डेवलपमेंट करने में देरी नहीं लगी। उन्होंने वक्त के साथ साथ ईस्ट चाइना को इतना ज्यादा डेवलप और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट ने हाई हे टेंगचोंग लाइन को पार करके वेस्टर्न चाइना में जाने के बारे में सोचा भी नहीं। और वो लोग सोचेंगे भी क्यों, क्योंकि देश को डेवलप करके आगे बढ़ाने की सारी जरूरतें इन तीन चीजों से ही फुलफिल होती है, राइट? मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन, डेवलपमेंट और जीडीपी की, और ये तीनों चीजें ईस्ट चाइना ऑलरेडी फुलफिल कर रहा था। अब ये इसीलिए क्योंकि चाइना में पहले कुछ नहीं था, एक बंजर जमीन से आज इतने बड़े सुपर पावर के मुकाम पर पहुंचा है। उसने मार्केट को हमेशा समझा और इंटेलिजेंटली कंट्री को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट चाइना के आगे आने में वहां के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कभी भी कंट्री में आ रहे चेंजेस को अपोज नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर वो पर्सनल लेवल पर चेंज नहीं होंगे तो कंट्री कैसे चेंज होगी। And well, do you know, countries के मामले में, nations के मामले में इतने बड़े macro level पर ये कैसे work करता है? इसे अगर आप detail में समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको The Undercover Economist ये book recommend करूंगा। अगर आपके पास ये पूरा book पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस book की book summary को सुन सकते हो Kuku FM app पर। और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ कल्टीवेटिंग मैसेजेस भी मिलेंगे। कुकु एफएम ऐप पर आप बस सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स, फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, लीडरशिप, करियर और ऐसे ही नॉन फिक्शन जॉनरास की किताबें सुन सकते हो, और ये सारा ज्ञान आप रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी में ग्रहण कर सकते हो। इनके पास बुक समरीज और ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि आप जब चाहो जहां चाहो नॉलेज आसानी से ग्रहण कर सकते हो। अब वैसे तो इस प्लेटफॉर्म की ईयरली मेंबरशिप 399 रुपीस की है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड GETSET50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी सिर्फ 199 रुपीस में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा एक और नया ऑफर, अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को रेफर करोगे तो आपको 100 रुपीस का कैश बैक भी मिलेगा। सो जल्दी करो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बिकॉज दिस ट्रूली माइट बी वन ऑफ योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अ वेरी चीप रेट। एंड नाउ लेट्स जंप बैक राइट इनटू द टॉपिक। नाउ मे बी यू मे वंडर कि ईस्ट और वेस्ट चाइना में सब कुछ अगर ईस्ट ही कर रहा है और वेस्ट कुछ नहीं कर रहा, तो चाइना आखिर वेस्ट पार्ट छोड़ क्यों नहीं देता? Well, छोड़ेगा कैसे, क्योंकि वेस्ट के जमीन के ऊपर पानी बहे या न बहे, उसके जमीन के नीचे तेल जरूर बहता है, वो भी बहुत सारा। अब आप ये मैप ही देख लो, इसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपेयर टू ईस्ट, वेस्ट में ऑयल फील्ड्स कितने ज्यादा हैं। और इन्हीं ऑयल फील्ड्स की वजह से 2019 में चाइना सेकेंड पोजिशन पर था आफ्टर US फॉर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मोस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, चाइना रोजाना के 14.1 मिलियन बैरल्स तेल जमीन से निकालता है, जो वर्ल्ड में 14% का कंट्रीब्यूशन देता है। पर वेस्टर्न चाइना से इतना ज्यादा तेल लेने और पैसे कमाने के बावजूद भी चाइना, टू बी स्पेसिफिक चाइनीज गवर्नमेंट, हमेशा से वेस्ट के खिलाफ खड़ी रही है। और ये सब फसाड़ की जड़ एक्चुअली में हाई हे टेंगचोंग लाइन ही है। एक्चुअली वेस्ट में सिर्फ एथनिक माइनॉरिटीज ही रह रही है, वेस्टर्न साउथ में टिबेटन्स और वेस्ट साइड के ईस्ट में उइगुर मुस्लिम्स। जबकि ईस्ट चाइना की बात करें तो मेजर कम्युनिटीज वहां पर रहती है, जिनका जीडीपी पर कैपिटा वेस्ट में रहने वालों से कंपेरेटिवली पूरा 15% ज्यादा है। यानी कि पहले ही टिबेटन्स और उइगुर मुस्लिम्स ईस्ट वालों से कल्चरली सेपरेटेड थे, और अब इकोनॉमिकली भी होने लगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, चाइनीज गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के बदले हमेशा ही हार्श स्टेटमेंट्स और हैवी पनिशमेंट्स उन पर लेवी करती रहती है। और यही वजह है कि आज की तारीख में वो दोनों ग्रुप्स चाइना के खिलाफ हो चुके हैं, और वहां पर उस एरिया पर काफी ज्यादा टेंशन्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए टेररिज्म का सहारा लिया है, और जहां पर एक ओर उइगुर मुस्लिम्स टेररिज्म फैलाते हैं, एक के बाद एक सारे हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टिबेटन्स ने डिबेट छेड़ रखा है और उनकी मांग है एक सेपरेट टिबेट के नेशन की। पर अब आपको क्या लगता है, क्या चाइना ने उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एज सच कोई कदम उठाया होगा? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ, इसीलिए क्योंकि 2006 में चाइना ने वेस्टर्न चाइना को डेवलप करने के लिए 1 trillion yuan, यानी कि आज के डेट में 11 लाख करोड़ रुपीस के जितने खर्चे किए थे, सो दैट वो वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो पावर प्लांट्स, एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन सुधार सके। और इसके अलावा उन्होंने 1.3 trillion yuan के खर्चे पर वर्ल्ड नोन किंघाई टिबेट रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम किया था, ताकि वो टिबेट से डायरेक्टली चाइना को कनेक्ट कर सके। सो या सम एफर्ट्स वर डेफिनेटली देयर फ्रॉम देयर साइड। अगर हम बात करें संकेतों की, चाइना वहां पर कोई
बदलाव नहीं ला पाया है, तो सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि वहां पर सिचुएशन बदली ही नहीं, सेम टू सेम वही है जो पहले हुआ करती थी। इनफैक्ट चाइना जैसा बड़ा सुपर पावर कंट्री अगर चाहे तो अपनी पॉलिसीज को वेस्ट के साथ अलाइन कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो सिर्फ वेस्ट से पैसे वसूलता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए वो वहां पर पैसे नहीं डालता। सो इस पूरे किस्से से जो बात मुझे पर्सनली सीखने मिली है वो तो यही है कि सारे कंट्रीज को अपने चारों ज़ोन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को कंट्री के चार पिलर्स समझ के एक साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं तो जैसे चाइना के केस में हो रहा है, वेस्ट में रहने वाले लोग ईस्ट वालों के खिलाफ हो गए हैं, और जैसे वहां पर टेररिज्म और जेनोसाइड प्रमोट हो रहा है, वैसा ही हाल दूसरे देशों के साथ भी हो सकता है। और इस मामले में इंडिया को भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे चाइना ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है, वैसे ही हालात इंडिया में भी कभी कभार नजर आती है। इसका डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर जस्ट टाइप ऑन गूगल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट व्हाई वेस्ट इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन ईस्ट। सो एक बार वो वीडियो भी चेक करना, क्योंकि आपका इंडिया को लेकर नॉलेज काफी बढ़ जाएगा। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर पाओ। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।